Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के दो बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का आता है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे और वो आमना सामना जो था वो उसरी चट्टी कांड को लेकर था। आपको पता होगा कि उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर किसी का नाम लिया जाता था तो वो थे ब्रजेश सिंह। और मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी किस कदर है, इस चीज से बखूबी आप वाकिफ होंगे और इस चीज को आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और उस समय पूर्वांचल के दो डॉन के रूप में रक्तांचल बनाने की बात भी कहीं ना कहीं इन दोनों चेहरों को लेकर की जाती है। वहीं बात करें तो गाजीपुर कोर्ट में जो ये मामला था उसरी चट्टी कांड, उसमें उसको लेकर पेशी हुई थी और पेशी के दौरान जो है भले ही मुख्तार अंसारी कोर्ट में ना पहुंचे हों, ब्रजेश सिंह कोर्ट में ना पहुंचे हों, लेकिन उनके जो गवाह हैं मुख्तार अंसारी के, उनकी पेशी हुई जिनका नाम तौकीर है और तौकीर जो है एन मौके पर ब्रजेश सिंह को पहचानने से मना कर दिया, यानी कि ब्रजेश सिंह को पहचानने से मुख्तार अंसारी का जो गवाह था वो मना कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी की जो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है वो खत्म होते नजर आ रहा है और इसको लेकर तमाम तरीके की बात हो रही है। तो कई लोगों का ये मानना है कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए जो है इस तरीके का दबाव बनाया गया है, तो वहीं कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने लगे हैं। इस कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने जो है पूर्व MLC ब्रजेश सिंह पर निशाना साध दिया है और उन्होंने कहा कि जो 25 साल कानून से भागता रहा, यानी कि ब्रजेश सिंह जो है वो लगातार कानून से भागते रहे हैं, उसके साथ जो है वो आज सत्ता की ताकत खड़ी है। माफियाओं के लिस्ट में ब्रजेश सिंह का भी नाम है लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अफजाल अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश के दौरान इस तरीके की बातें कही और शायद यही वजह है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को निशाना साध रहे हैं कि कहीं ब्रजेश सिंह के बचाने में सत्ता का संरक्षण तो नहीं है और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिर आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि मुख्तार का वकील जो है वो ब्रजेश सिंह को पहचानने से मना कर दिया? क्या सियासत का कहीं ना कहीं वहां पर पकड़ है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।